ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को देखते हुए देश की हाईटेक डासना की जिला जेल में जिला प्रशासन के आदेश पर 31 मार्च तक बंदियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही जेल प्रशासन ने बंदियों से खास तौर पर बातचीत करने के उद्देश्य से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। जब तक बंदियों से मुलाकात नहीं होती है, फोन पर बातचीत की जा सकती है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से एक दिन के कर्फ्यू को लेकर आह्वान किया गया था, वहीं इसका पूरे शहर में असर भी देखा गया है। जनता जागरूक होने के साथ साथ और इस पूरे मामले को लेकर जनता ने भी निर्णय किया है कि वो प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार करेंगे और समर्थन के चलते पूरे शहर की सड़कें बाजारें बंद हैं और लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे। हालांकि महामारी का डर लगातार सता रहा था। हाल इस मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं डासना जिला जेल के सुपरिटेंडेंट। जानेंगे कि जेल में 31 मार्च तक की जो मिलाई बंद की गई है मुलाकात को, वो किस तरीके से उन्होंने प्रोग्राम तय किया है और जो आने वाली परेशानियां मुलाकातियों से होंगी उनको कैसे हैंडल करने का कार्य करेंगे। सर, 31 मार्च तक का जो मुलाकात है वो बंद कर दी गई है, तो क्या किस तरीके से निर्णय लिया गया है? निर्णय ये लिया गया है कि मुलाकात बंद रहे, जिससे हमारे बंदी भी स्वस्थ रहे हैं और बंदियों के परिजन भी स्वस्थ रहे। और एक हेल्पलाइन नंबर भी है 0120-376-3016 इस पर वो फोन पे अपने परिजनों का स्वास्थ्य के संबंध में या कोई विशेष संदेश देना हो वो देंगे। एक रजिस्टर रहेगा जहाँ पे नोट किया जाएगा और वो संदेश बंदी भाई तक पहुँचा दिया जाएगा। हालांकि देखिए, बंदी की मुलाकात में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं क्योंकि काफ़ी दूर दराज से बंदी आते हैं मुलाकात, परिजन आते हैं मुलाकात बंदियों करने के लिए। अब ये 6 दिन 8 दिन का समय जो होगा बंदियों के लिए कैसा होगा और आप लोग उनको कितना गाइड करेंगे? देखिए, जिंदगी रहेगी तो दोबारा मिलेंगे, फिर कई मुलाकात होंगी, कई मुलाकात होती रही, फिर हम भी उनके माँ बाप के ही जैसे यहाँ पे हैं वही देख रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं, कमी हम उन्हें होने देंगे। जो सामान्य सिर्फ भावनात्मक मुलाकात ही तो होती है, इसीलिए तो आते हैं कि एक बार चेहरा देख लें कि स्वस्थ हैं, अदरवाइज और कोई बात तो है नहीं। लेकिन वो खुद समझ रहे होंगे, हर समझदार व्यक्ति, और बेवकूफ़ व्यक्तियों को सोच के हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। आज देश को जरूरत है, हर आदमी को जरूरत है कि सैनिटेशन का ध्यान रखें और डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और माननीय अपने प्रधानमंत्री जी के जो भी निर्देश हैं, जो भी उनकी अपील है, जो हमारे मुख्यमंत्री की अपील है, उसका पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि ये हफ्ते दो हफ्ते की बात है मात्र, और इससे लड़ना पड़ेगा, सबको मिल के लड़ना पड़ेगा और सबको सहयोग करना पड़ेगा। विशेष परिस्थितियाँ आएंगी तो उससे भी लड़ेंगे। हालांकि कोरोना वायरस का कहर जो है, डर लगातार लोगों में सता रहा है, लोगों से अपील भी की जाती है कि डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतनी जरूरी है, तो जेल में किस तरह की एहतियात बरती जा रही है? जेल में फॉगिंग चल ही रहे हैं, सारा सैनिटाइजेशन का काम हम लोग निरंतर कर रहे हैं और वो आज से नहीं, मुझे लगता है कि लोग बाद में जागरूक हुए होंगे। हम पिछले कोरोना शब्द जिस दिन आजाद हुआ होगा, जिस दिन हम लोग को पता चला कि कोई कोरोना वायरस चाइना में फैल गया, उस दिन से हम इस बात पे स्ट्रिक्ट हैं, मैंने पूरे साफ सफाई से 5 तारीख से, आज 5 से होते होते 21 हो गया और मुझे लगता है कि जनता में बात आ रही होगी 5-6-7 दिन से और हम 15-17 दिन से जागरूक हैं। और पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा मास्क भी हमारी इस जेल ने बनाया है, आज डेट में 12,000 मास्क हम लोग करीब बना चुके हैं और कई जेलों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, कुछ संस्थाओं को भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और अपनी समिति के माध्यम से आम पब्लिक को भी 5 रुपए में हमने मास्क अपना सेल किया हुआ। सर, जेल में रहने वाले बंदों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से उनको आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है या उनको इस तरीके तक किस तरह के इंतजाम उनके लिए किए गए हैं? क्या अभी तक कोई ऐसा मरीज सामने आया है? आइसोलेशन वार्ड भी बना दिया गया है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट के आर्डर्स हैं कि हम आइसोलेट उसे ही करेंगे जिसमें कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखेंगे। आम सर्दी जुकाम वाले के प्रति हम अलर्ट रहेंगे क्योंकि सीजन भी वैसा है, लेकिन जब तक कोरोना के सामान्य लक्षण से बंदी नहीं प्रतीत होता तब तक हम उसे आइसोलेट नहीं करेंगे। और डॉक्टर साहब लगातार उसमें लगे हुए हैं हमारे और आज डेट में 100% बंदियों का पहला जो परीक्षण होता है न्यूनतम वो संपन्न हो चुका है और आज डेट में कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आज इस जेल में नहीं निरुद्ध है जिसे ऐसा लगता हो कि इसे कोरोना हो सकता है, और अगर होगा संभावना बनेगी तो उसका ब्लड सैंपल हम मानक प्रोटोकॉल के अनुसार उसको हम बाहर भेजेंगे। थैंक यू।
हालांकि जेल में तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। 31 तारीख की जो विक्तक माह तक मुलाकात को बंद कर दिया गया है। बंदियों को थोड़ी परेशानी आएगी, उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, कहीं भी परिजनों को परेशानी ना आए, जिसके चलते कोरोना से बचाने के उद्देश्य से ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। जेल में कोई ऐसी मामला अभी तक सामने नहीं आया है जो कि खतरा उत्पन्न कर सके। वीडियो जावेद चौधरी, लाइव टुडे, गाजियाबाद।